हाँ जी, सत श्री अकाल दोस्तों। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ वेरियस आर्टिस्ट टॉपिक चैनल्स के बारे में। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि ये जो चैनल्स होते हैं, ये होते क्या हैं। तो कई यूज़र्स को इशू आता है, आप मुझसे पूछते हैं कि आपका जो सॉन्ग है वो आपके टॉपिक चैनल में नहीं आया, वो किसी दूसरे चैनल में आ गया, जो कि वेरियस आर्टिस्ट टॉपिक चैनल होते हैं। तो आज की वीडियो में आपको मैं यही बताऊंगा कि ये उसमें क्यों जाते हैं और आपका जो टॉपिक चैनल है उसमें क्यों नहीं आते। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं। तो यहां पे आप जब भी अपना म्यूज़िक रिलीज़ करें तो उस टाइम म्यूज़िक रिलीज़ करते टाइम यूट्यूब को ज़रूर सेलेक्ट करिएगा। जब आप अपना म्यूज़िक को रिलीज़ करते हैं, कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर हो, तो आज की वीडियो में जो मैं आपको मैं एग्जांपल देने वाला हूँ, ये मैंने रूट नोट के थ्रू एक म्यूज़िक रिलीज़ किया था, ये आप देख सकते हैं। ये मैंने अपने फ्रेंड का रिलीज़ किया है मैड मैक्स 2, और ये अप्रूव्ड हो गया था 28 मार्च को, मतलब एक हफ्ते पहले, ठीक है। तो ये मैंने जो म्यूज़िक रिलीज़ किया था, अभी इस आर्टिस्ट का आप खुद चेक कर सकते हैं, सचिन कुमार मीना, इस आर्टिस्ट नेम से मैंने यूट्यूब पे म्यूज़िक रिलीज़ किया। अभी सिर्फ एक ही गाना है और एक ही गाने के साथ इनका टॉपिक चैनल बन गया। तो जब भी आप अपनी म्यूज़िक को रिलीज़ करते हैं, वहाँ पे अपने म्यूज़िक को रिलीज़ करते टाइम यूट्यूब को ज़रूर सेलेक्ट करिए जब स्टोर्स का ऑप्शन आता है। कई बार आप ऐसा सोचते हैं कि हमने यूट्यूब पे अपने मेन चैनल पे म्यूज़िक डाल के रखा है, वीडियो डाल के रखी है, तो हम म्यूज़िक को यूट्यूब पे सेलेक्ट नहीं करते, मतलब वहाँ पे सेलेक्ट नहीं करते, आप ऐसे ही छोड़ देते हैं कि पहले से हमारा म्यूज़िक यूट्यूब पे है। ऐसा नहीं होता, आपको अपने म्यूज़िक को अपने यूट्यूब पे एक तरह से जो आप रिलीज़ करते हैं उसका भी लाइसेंस लेना है। तो जब आप ऑफिशियली किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर या लेबल के थ्रू आप म्यूज़िक को रिलीज़ करते हैं तो वो आपको लाइसेंस देते हैं, जैसे कि UPCS कोड होता है या फिर ISRCS कोड्स होते हैं, तो ये आपके लाइसेंस कोड्स होते हैं। तो आपको यूट्यूब को भी ज़रूर सेलेक्ट करना है। और अभी बात रही, मैं आपको इनके आर्टिस्ट का नाम सर्च करके दिखाता हूँ। इनका टॉपिक चैनल सिर्फ एक गाने के साथ ही बन गया। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि जब आप अपने म्यूज़िक को रिलीज़ करते हैं तो आप मुझे आकर मैसेज करते हैं कि सर, हमारा जो टॉपिक चैनल है वो क्रिएट ही नहीं हुआ। तो ऐसा नहीं होता, कई यूज़र्स मुझको मैसेज करते हैं कि सर देखिए, मेरा नहीं हुआ क्रिएट। तो मैं जब सर्च करता हूँ तो उनका पहले से टॉपिक चैनल क्रिएट हुआ होता है। तो मैं आज सबसे पहले तो यही बताता हूँ कि आपको चेक कैसे करना है कि आपका जो टॉपिक चैनल है वो क्रिएट हुआ है या फिर नहीं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप यूट्यूब पे आइएगा और आपको टॉप में सर्च करना है। तो सर्च आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आपको अपना जो आर्टिस्ट नेम है वो डालना है। तो चलिए, यहाँ पे मैं अपना जो आर्टिस्ट नेम है वो डाल देता हूँ। और उसके बाद आपको क्या सर्च करना है, उसके बाद आपको लिखना है टॉपिक। टॉपिक लिखने के बाद आपको इसे सर्च कर देना है। तो आपको टॉप में ही आपका जो टॉपिक चैनल है वो देखने को मिल जाएगा। अगर आपको अपना टॉपिक चैनल देखने को नहीं मिलता तो फिर आपको क्या करना है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये मेरा मेन चैनल है, ये मेरा टॉपिक चैनल नहीं दिख रहा, तो आपको फिल्टर्स में जाना है। फिल्टर्स में जाने के बाद आपको वहाँ से टाइप में चैनल सेलेक्ट कर लेना है। तो ये आप देख सकते हैं सेकेंड चैनल जो मेरा आ गया, द PSNE टॉपिक। तो ऐसे आपको अपना सबसे पहले तो टॉपिक चैनल सर्च करिए फर्स्ट टाइम, ठीक है। अगर आपका फिर भी नहीं आपको देखने को मिलता तो मैं आपको आगे चलकर बताता हूँ कि गूगल इसके बारे में क्या बोलता है। तो दोस्तों, ये जो टॉपिक चैनल्स होते हैं ये मैन्युअली क्रिएट नहीं होते। जब भी आप अपना म्यूज़िक को यूट्यूब पे रिलीज़ करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली रिलीज़ होते हैं। तो जब पहले हम म्यूज़िक को रिलीज़ करते थे उस टाइम पे गूगल प्ले का ऑप्शन था, मतलब उस टाइम पे गूगल प्ले जो गूगल कई ही एक म्यूज़िक का जो एप्लीकेशन है उस पर भी अपना म्यूज़िक जाया करता था, लेकिन अभी वो शट डाउन हो गया है। तो तब उस टाइम यूट्यूब कहती थी कि जब भी आप अपने म्यूज़िक को रिलीज़ करते हैं तो आपको अपने म्यूज़िक को जो गूगल प्ले का म्यूज़िक है वहाँ पे भी ज़रूर रिलीज़ करना है अगर आप टॉपिक चैनल चाहते हैं। तो अब तो वो शट डाउन हो गया। तो अभी यूट्यूब का कहना है कि अगर आप अपना म्यूज़िक चाहते हैं तो आपको ऑफिशियली यूट्यूब पे लाइसेंस लेना पड़ेगा अपने म्यूज़िक का। वो कैसे लेते हैं वो तो आपको सिंपली पता ही है, अपने किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू यूट्यूब पे म्यूज़िक रिलीज़ कर दो, आपका टॉपिक चैनल क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे इन्होंने साफ तौर पे लिख के रखा है कि
ऑटो जनरेटेड बाय यूट्यूब। आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते, ये ऑटोमेटिकली जनरेट होता है। आपको वेट करना है, कोई भी यहाँ पे इनका कोई फिक्स टाइम नहीं होता कि हाँ इतने टाइम में आपका टॉपिक चैनल क्रिएट हो जाएगा, कोई फिक्स टाइम नहीं है। कई यूज़र्स का सिर्फ एक से दो दिन में ही क्रिएट हो जाता है। तो अभी मैं आपको सर्च करके दिखाता हूँ, जो मैंने उस आर्टिस्ट का म्यूज़िक रिलीज़ किया था मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैं उस आर्टिस्ट का नाम, ठीक है, यहाँ पे सर्च करता हूँ। आप भी ऐसे अपना सबसे पहले तो नाम सर्च करना। कई बार आपका टॉपिक चैनल पहले से क्रिएट होता है लेकिन आप मुझे मैसेज करते हैं कि सर हमारा आया नहीं टॉपिक चैनल, तो मैं आपको फिर भेजता हूँ, लिंक्स भेजता हूँ कि ये देखो आपका पहले से क्रिएट हुआ है। आप खुद थोड़ी सी मेहनत आप खुद भी करिए, सर्च करिए, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं टॉप में ही इनका टॉपिक चैनल आ गया, तो ये आप चेक कर सकते हैं। मैंने इनका नाम लिखा और उसके बाद टॉपिक लिखा, मुझे फ़िल्टर भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि इनका म्यूज़िक कब यूट्यूब पे आया था। तो ये आप देख सकते हैं अपडेट 4 डे अगो, मतलब अभी 4 दिन पहले ही यूट्यूब पे म्यूज़िक आया है। इनका जो टॉपिक चैनल ये जो क्रिएट हुआ है, ये इनका टॉपिक चैनल सिर्फ 24 घंटे में क्रिएट हो गया। और ये मैंने म्यूज़िक को जो रिलीज़ किया था, ये मैंने रूट नोट के थ्रू रिलीज़ किया था। ये आप चेक कर सकते हैं, इनका जो मैंने ट्रैक खुद मैंने सबमिट किया था अपने अकाउंट से। तो ये आप चेक कर सकते हैं, इनका टॉपिक चैनल क्रिएट हो गया। तो सबसे पहले तो आप ऐसे अपना टॉपिक चैनल सर्च करिए, मेक श्योर आपका जो टॉपिक चैनल है वो होगा, आपको मिलेगा। तो कई चांसेस ऐसे भी होते हैं कि सिर्फ एक गाना रिलीज़ करने से टॉपिक चैनल क्रिएट नहीं होता। तो यूट्यूब का क्या कहना है, तो मैं आपको एक ब्लॉग दिखाता हूँ गूगल ने उसमें क्या बोल के रखा है। फिर भी मैं आपको इसका लिंक दे दूंगा, एक बार आप रीड कर लेना। तो ये आप चेक कर सकते हैं, ऑटो जनरेटेड टॉपिक चैनल फॉर आर्टिस्ट, ठीक है। तो ये ब्लॉग है, इसमें आपको लास्ट में देखने को मिलेगा हाउ डज यूट्यूब डिसाइड व्हेन टू ऑटो जनरेट अ टॉपिक चैनल फॉर एन आर्टिस्ट, मतलब कब YouTube डिसाइड करता है कि एक आर्टिस्ट के लिए जो टॉपिक चैनल है वो क्रिएट होना चाहिए। तो यहाँ पे YouTube ने बोला है कि ए टॉपिक चैनल इज क्रिएट फॉर एन आर्टिस्ट व्हेन दे हैव अ सिग्निफिकेंट प्रेजेंस ऑन YouTube, मतलब यार आपका एक तरह से आपका मतलब एक अलग प्रेजेंस आपकी YouTube के ऊपर, मतलब आपका म्यूज़िक रिलीज़ हो गया तो वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है टॉपिक चैनल, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता। अगर आप YouTube से भी हेल्प मांगेंगे तो वो भी कोई हेल्प नहीं कर सकती। मैंने YouTube टीम से बात की, उन्होंने मुझे सिर्फ यही कहा कि ये जो चैनल्स होते हैं और टॉपिक चैनल्स, ये ऑटोमेटिकली क्रिएट होते हैं, हम इसे मैनुअली क्रिएट नहीं कर सकते, वो इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। तो उसके बाद इन्होंने बोला है इफ़ एन आर्टिस्ट डजंट हैव एन टॉपिक चैनल, तो उसका क्या कारण हो सकता है अगर आर्टिस्ट का चैनल नहीं आया। तो इन्होंने बताया कि देर आर ओनली अ फ्यू वीडियोस फॉर द आर्टिस्ट, मतलब जो आर्टिस्ट के द्वारा कुछ वीडियोस हो सकती हैं, मतलब उनकी जो क्वांटिटी है वो कम हो सकती है वीडियोस की, तभी आपका जो आर्टिस्ट चैनल नहीं होता। तो वीडियोस मतलब जो आप मेनली वही आप बात आ गई, जो आप अपना गाना रिलीज़ करते हो डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू, वो आपके कम हो सकते हैं तो आपका आर्टिस्ट चैनल नहीं आता। तो उसके बाद इन्होंने एक पॉइंट दिया है कि हो सकता है कि आपकी वीडियोस पे ज़्यादा व्यूज़ ना हो, मतलब जो आप म्यूज़िक रिलीज़ करते हैं अगर उन पर कम व्यूज़ आते हैं, जो वेरियस टॉपिक आर्टिस्ट चैनल में चली जाती हैं वीडियोज़, अगर उन पर व्यूज़ कम आते हैं तो भी हो सकता है कि आपका जो टॉपिक चैनल है वो क्रिएट ना हो। तो ऐसा तो कोई सीन नहीं है, टॉपिक चैनल हो जाता है क्रिएट। उसके बाद जो लास्ट ऑप्शन इन्होंने कहा है कि आर्टिस्ट वीडियो डजंट मीट यूट्यूब क्वालिटी स्टैंडर्ड, मतलब जो आपने अपनी म्यूज़िक को रिलीज़ किया है अपने डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू, तो हो सकता है वो जो आपका सॉन्ग है वो इनकी पॉलिसीज़ को फॉलो ना करता हो सकता है कि आपका टॉपिक चैनल क्रिएट ही ना हो और आपका हो सकता है म्यूज़िक ही ना क्रिएट हो। तो अभी हम बात करते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, मैं अपने खुद की एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। देखो मैंने सबसे पहले आपको दिखाया ना कि मेरा जो टॉपिक चैनल है वो क्रिएट है। मैं आपको यहाँ से फिर से एक बार फिल्टर करके दिखाता हूँ। तो ये मैं चैनल्स में गया, तो ये मेरा टॉपिक चैनल क्रिएट है, मोस्टली मेरी यहाँ पे वीडियोज़ ऐड हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, कुछ दिन पहले मैंने डिट्टो म्यूज़िक से एक म्यूज़िक रिलीज़ किया था, वो मेरा अभी तक टॉपिक चैनल में लिंक नहीं हुआ। तो ये सब ऑटोमेटिकली प्रोसेस होता है, मैनुअली हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ आपको वेट करना है। कुछ ऐसे यूज़र्स भी हैं जिनका 2 महीने बाद टॉपिक चैनल क्रिएट हुआ, 2 महीने के वेट के बाद, तो आपको सिर्फ पेशेंस रखनी है, ऑटोमेटिकली क्रिएट होगा। तो मैं सबसे पहले आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, ठीक है, मैं अपना नाम सर्च करता हूँ और मैं जो अपनी रिसेंटली मैंने वीडियोस अपलोड की हैं वो यहाँ से मैं फ़िल्टर करके 1 महीने के अंदर अंदर मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है।
तो एक महीने के अंदर अंदर जो मैंने वीडियोस मैंने अपनी रिलीज़ की हैं, तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। एक मैंने जो म्यूज़िक रिलीज़ किया था, तो ये देख सकते हैं, ये भी मैंने कुछ दिन पहले ही रिलीज़ किया था। ये मेरे लिंक हो गया, ये मेरा यहाँ पे आपको मेन चैनल दिखेगा, क्योंकि मैंने अपना टॉपिक चैनल आर्टिस्ट चैनल के साथ, जो मेरा मेन चैनल है उसके साथ लिंक करा के रखा है। तो अगर आप आर्टिस्ट चैनल लेते हैं तो वो ऑटोमेटिकली लिंक हो ही जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, तो ये आप देख सकते हैं, ये मैंने ये देख सकते हैं, डेथ ऑफ नाइट। तो ये मैंने डिट्टो म्यूज़िक के थ्रू रिलीज़ किया था। अगर आपने मेरा डिट्टो म्यूज़िक वाला ट्यूटोरियल देखा है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि आप कैसे 1 साल का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं सिर्फ 300 रुपये में, तो उसमें मैंने ये गाना सबमिट किया था जब मैंने उस वीडियो को क्रिएट किया था। तो ये आप देख सकते हैं, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो ये आप देख सकते हैं, ये टाइटल का नाम आ रहा है और ये मेरा जो सॉन्ग है अभी ये वेरियस आर्टिस्ट टॉपिक चैनल्स में आ रहे हैं। तो ये जो चैनल्स होते हैं ये भी यूट्यूब के थ्रू ही क्रिएट किए हुए हैं, ऐसा ये किसी दूसरे बंदे के थर्ड पार्टी के थ्रू नहीं है। अगर यूट्यूब का जो डाटाबेस होता है, अगर उसको आपका जो आर्टिस्ट नेम है जो आपका वो फाइंड आउट नहीं होता या कोई भी इशू आता है, तो वो टाइम लगाता है थोड़ा सा, और उस टाइम के दौरान आपका जो म्यूज़िक होता है वो वेरियस आर्टिस्ट टॉपिक में चला जाता है। तो फर्स्ट टाइम जब मेरा टॉपिक चैनल क्रिएट हुआ था तो मेरा भी वेरियस आर्टिस्ट टॉपिक चैनल में ही मेरे गाने गए थे, लेकिन मेरा थोड़ा सा टाइम लगा था मेरा टॉपिक चैनल क्रिएट होने में, मेरे 2 हफ्ते लग गए थे। 2 हफ्ते बाद मेरा टॉपिक चैनल क्रिएट हुआ था। अभी जो मैंने आर्टिस्ट का आपको एग्जांपल दिखाई, उनका सिर्फ 24 घंटे में हो गया। तो यहाँ पे कोई भी फिक्स टाइम नहीं है, आपका म्यूज़िक आएगा, टॉपिक चैनल आपका क्रिएट होगा, ऑटोमेटिकली होगा, आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते, मैनुअली कोई मेथड नहीं है टॉपिक चैनल क्रिएट करने का, ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा, बस आप अपना म्यूज़िक को रिलीज़ करते रहो। तो ये आप देख सकते हैं, प्रोवाइड टू यूट्यूब बाई डिट्टो म्यूज़िक, ये आप चेक कर सकते हैं। ये रिलीज्ड कब हुआ था, ये हुआ था 21 मार्च को। तो आप अभी देख सकते हैं, 2 हफ्ते से ज़्यादा हो गया अभी तक ये मेरा गाना जो मेरे मेन टॉपिक चैनल में लिंक ही नहीं हुआ। तो कई इश्यूज ऐसे भी आते हैं, आप पूछते हैं कि सर कुछ गाने हमारे टॉपिक चैनल में जो लिंक हैं लेकिन कुछ नहीं लिंक हुए, वो किसी दूसरे बंदे के टॉपिक चैनल में लिंक हो गए या फिर हमारे टॉपिक चैनल में किसी दूसरे बंदे के गाने जो लिंक हुए हैं, तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें यूट्यूब आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। आपको क्या करना है, जो आपका डिस्ट्रीब्यूटर है उसको कॉन्टैक्ट करिए, उन्होंने साफ तौर पर बताया हुआ होता है कि अगर आपका जो म्यूज़िक है किसी दूसरे पर्सन के साथ जो लिंक हो गया, तो आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जो डिस्ट्रो किड है तो उन्होंने एक अलग से ब्लॉक दे के रखा है, उन्होंने बता रखा है कि अगर गलती से आपका गाना किसी दूसरे बंदे के टॉपिक चैनल में लिंक हो गया या फिर आपके चैनल में किसी दूसरे का लिंक हो गया, तो उनसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट का मेथड आपको पता ही होगा कैसे है, मोस्टली डिस्ट्रीब्यूटर्स जो टिक ट्रेस कर सकते हैं, या फिर अगर आप रूट नोट यूज़ करते हैं तो उनका मेल भी है, तो मेल के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, आपको पता चल गया होगा कि जो वेरियस आर्टिस्ट ये टॉपिक चैनल्स हैं इनमें म्यूज़िक क्यों जाता है। तो फर्स्ट टाइम तो जाता ही है, ठीक है, आपको वेट करना है, ऑटोमेटिकली आपका टॉपिक चैनल क्रिएट होगा, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते ना मैं कुछ कर सकता हूँ, आपको बस पेशेंस रखनी है, ऑटोमेटिकली आपका जो टॉपिक चैनल है क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे कोई भी फिक्स टाइम नहीं है कि कितने टाइम में आपका टॉपिक चैनल क्रिएट होगा। अब कुछ यूज़र्स मुझे मैसेज करेंगे कि सर आपका 2 वीक में आया था, मेरे 2 वीक कंप्लीट हो गए, अभी 3रा वीक चल रहा है, मेरा नहीं आया, अब मैं क्या करूं? तो मैं एक ही आपको आंसर दूंगा कि वेट करो, पेशेंस रखो, ऑटोमेटिकली वेरियस आर्टिस्ट टॉपिक चैनल में आएगा। अगर आपका चैनल मोनिटाइज है, आपके पास आर्टिस्ट चैनल है, तो आप अपनी जो यूट्यूब टीम होती है उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैंने किया लेकिन उन्होंने मुझे कुछ वैलिड सा आंसर नहीं दिया, उन्होंने मुझे यही कहा कि जो टॉपिक चैनल्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली जनरेटेड होते हैं यूट्यूब के थ्रू, हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आपका मोनिटाइजेबल है आपकी, तो आप चैट के थ्रू फिर भी एक बार ट्राई कर सकते हैं, यूट्यूब टीम से भी हेल्प ले सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपका टॉपिक चैनल क्रिएट नहीं हुआ तो जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं वो आपकी हेल्प कर सकते हैं। अगर आप रूट नोट की बात करें तो रूट नोट ने एक ब्लॉग लिख के रखा है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उन्होंने साफ तौर पे बता के रखा है कि अगर आपका टॉपिक चैनल क्रिएट नहीं होता तो आप रूट नोट से कॉन्टैक्ट करो, वो आपका टॉपिक चैनल क्रिएट करने में हेल्प करेंगे। इनका जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं इनका डायरेक्टली कॉन्टैक्ट होता है यूट्यूब के साथ, तो हो सकता है तो ये आपका जो टॉपिक चैनल है क्रिएट कर दें। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, आई होप आपको वीडियो समझ में आ गई होगी टॉपिक चैनल के बारे में। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो का लाइक जरूर करेगा, शेयर जरूर करेगा, और आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिएगा।